हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्लिनिक। आई एम डॉक्टर लक्ष्मी, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन न्यू दिल्ली। तो आज मैं आपके लिए पीसीओडी डाइट प्लान लेकर आई हूँ। इट्स अ पीसीओडी डाइट प्लान, इट्स अ जनरल डाइट प्लान जो कोई भी पीसीओडी का पेशेंट फॉलो कर सकता है एंड डेफिनेटली शी विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स व्हेन शी फॉलोज माय डाइट प्लान। और साथ में मैं थोड़ा सा लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स लाई हूँ जो प्रेफरेबली आपको ज़्यादा कंज्यूम करना है इफ़ यू आर गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर पीसीओडी या इफ़ यू आर डायग्नोस्ड फॉर पीसीओडी। तो ये बेसिकली एक डाइट प्लान है। पीसीओडी जो डिज़ीज़ है उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगी। ये जो वीडियो है ये बेसिकली डेट इज़ फोकस्ड ऑन द डाइट प्लान के विच टाइप ऑफ फूड आइटम्स यू प्रेफर मोर इन पीसीओडी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कुकिंग ऑयल की बात करूं तो आपको कोकोनट ऑयल में, नारियल के तेल में अपना खाना कुक करना है। जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए जो कोकोनट ऑयल होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। अगर आप कोकोनट ऑयल में कुक नहीं कर सकते हैं तो आप प्रेफर करिए कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल आता है उसमें कुक करिए, या फिर आप काओ देसी घी, जो गाय का देसी घी आता है, A2 काओ देसी घी जो आता है उसमें आपको खाना कुक करना है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो मेक श्योर कि आप मस्टर्ड ऑयल में कुक करिए, लेकिन कोकोनट ऑयल के 1 से 2 चम्मच आप ऊपर से ज़रूर खाएं, या फिर देसी घी, गाय का A2 गाय का देसी घी आप ऊपर से 1 से 2 चम्मच वो आप ज़रूर लें। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो फ्रूट्स में आपको शकरकंदी हो गया, चुकंदर हो गया, पाइनएप्पल हो गया, बादाम, अनार, केसर, किशमिश, जितने भी ये आपके सीड्स हो गए, सेसमे सीड्स, पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये आपको ज़्यादा लेने हैं इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी हार्मोनल डिसऑर्डर, स्पेशली पीसीओडी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्मेंटेड जो फूड आइटम्स हैं, जिनमें जो भी फूड आइटम्स फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है, जिनमें हम खमीर उठाकर उनको बनाते हैं, जैसे कि दही हो गया, जैसे कि सांभर हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, इन सब में हम फर्मेंटेशन के थ्रू इन चीज़ों को बनाते हैं, तो ये वाले जो फूड आइटम्स हैं ये आपको ज़रूर लेने चाहिए, बिकॉज दे विल एक्ट एज अ प्री एंड प्रोबायोटिक फॉर योर गट। और अगर आपका जो गट है, आपका जो इंटेस्टीन है, उसका जो फ्लोरा है, उसके जो बैक्टीरिया है, वो हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो आपकी डाइजेशन प्रॉपर रहेगी। तो इसके अलावा आपको पीसीओडी में आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ मिल्क एंड ग्लूटेन, दूध और गेहूँ, मिल्क एंड व्हीट, ये मैं बिल्कुल ही मना करती हूँ मेरे पेशेंट्स को कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, इनको मैं स्ट्रिक्टली मना करती हूँ, तो आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है। और वीट का जो सब्स्टिट्यूट है वो मैं आपको बता देती हूँ, आपको जौ का दलिया लेना है, जौ का आटा ले सकते हो, जौ का, ज्वार का, रागी का, बेसन, चना, इनका आटा जो है आप ये मिक्स करके खा सकते हो। इसके अलावा एमरेंथस फ्लोर भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है बिग बास्केट पर, ये मैं जितने भी आपको सामान बता रही हूँ ये सब बिग बास्केट पर इजिली अवेलेबल है, ऑनलाइन आप कहीं से भी इनको मंगा सकते हैं। तो आपको चुलाई का आटा जो है वो यूज़ करना है, सांवक का आटा यूज़ करना है, कुट्टू का आटा यूज़ करना है, सिंघाड़े का आटा यूज़ कर सकते हो, मतलब कि इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग व्हीट फ्लार आपको गेहूं का आटा यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह आप ये इनमें से कोई भी आटे जो है वो यूज़ कर सकते हो। प्रेफरेबली मैं आपको, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको रागी एंड एमरेंथस वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है पीसीओडी में, तो आपको वो ज़रूर यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद आपको स्पाइसेस ज़रूर यूज़ करने हैं अपने फूड में, जैसे कि स्टार एनीज हो गया, दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, ये जितने भी स्पाइसेस हैं ये लोग क्या, ये चीज़ें क्या करती हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखती हैं, प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस जो पीसीओडी में मेन प्रॉब्लम हो जाती है उससे आप लोगों को बचा कर रखती हैं। तो आपको स्पाइसेस ज़रूर यूज़ करने हैं अपने खाने में, अगर आप इतना ज़्यादा कॉन्शियसली अपना खाना कुक नहीं कर सकते हो तो इन्हीं सब स्पाइसेस का एक पाउडर बना के आप रख लीजिए, और अपने दाल में, अपने सब्जी में, कुछ भी आप, जब भी आप कुछ भी बनाते हैं, अपने लिए कुक करते हैं, तो आप एक आधा चम्मच इन ये जो स्पाइसेस का पाउडर है ये आप अपनी दाल सब्जी में डाल सकते हैं, इट विल ऑल्सो गिव यू द सेम रिजल्ट। उसके बाद आपको जो कच्चा नमक होता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, जस्ट अवॉइड दैट रॉ सॉल्ट, आपको उसकी जगह सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट या पिंक हिमालयन सॉल्ट आपको वो यूज़ करना है। और अगर मैं ग्रीन टी की बात करूं पीसीओडी पेशेंट्स के लिए, तो आपको तुलसी की ग्रीन टी आप ले सकते हो, आप कैमोमाइल की ग्रीन टी ले सकते हो, आप अश्वगंधा वाली ग्रीन टी ले सकते हो, और ऑर्गेनिक इंडिया की जो ग्रीन टी है वो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं वेजीज़ की बात करूँ तो एज सच कोई
ऐसा नहीं है कि आपको ये सब्जी खानी ये सब्जी नहीं खानी, सब सब्जियां खाइए। बट अगर मैं स्पेशली फॉर पीसीओडी पेशेंट्स अगर मैं बोलूँ तो आपको ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, कैरेट, बीन्स, अनियन, गार्लिक, टमाटो, टोफू, सोयाबीन, घिया, कद्दू, काला चना, कैबेज, राजमा, छोला, ये सब, ये जितनी भी सब्जियां हैं और जो पल्सेस हैं ये सब आपको यूज़ करना है। जो मैंने सब्जियां बताई हैं ये वाली सब्जियां आपको ज़्यादा यूज़ करनी है। इसके अलावा आपको ओट्स का भी यूज़ करना है। ओट्स हो गया और ये जो मैंने आटे बताए हैं ये सब जो है ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये आपको बहुत देर तक एक तो फुल रखते हैं, दूसरा धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, धीरे धीरे इनसे ग्लूकोज बनता है, तो एकदम से ओवर ग्लूकोज का एकदम से स्पर्ट नहीं होता बॉडी में। तो पीसीओडी में यही प्रॉब्लम होती है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो आप जितना कम्प्लेक्स कार्ब अपने डाइट में ज़्यादा लेंगे उतना ही वो धीरे धीरे सस्टेन एनर्जी में रिलीज होंगे, और आप जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली कंडीशन पीसीओडी में आ जाती है जिससे पूरा हार्मोनल सिस्टम आपका ख़राब हो जाता है उस चीज़ से भी आप बच जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको राइस में भी आपको सेमी ब्राउन राइस जो है वो यूज़ करने हैं, आपको पॉलिश्ड वाले जो राइस हैं वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। एप्पल साइडर विनेगर, वन ऑफ माय फेवरेट ड्रिंक, एप्पल साइडर विनेगर आपको अपनी हर डाइट में ज़रूर यूज़ करना है। इसके अलावा अगर मैं स्नैकिंग की बात करूँ तो आपको मखाना हो गया, पीनट्स हो गया, धनिया पुदीना की चटनी हो गई, पॉपी सीड्स हो गए, खसखस हो गया, ये सब जो सीड्स हैं, तिल हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, इन चीज़ों को आपको ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा सा फूड आइटम्स की बात करी फॉर पीसीओडी। अगर मैं आपको इसका पूरा डाइट प्लान अगर मैं बताती हूँ तो वही चीज़ है जो मैं हर डाइट प्लान में बोलती हूँ आपको, कि आपको टाइम पर सुबह उठना है, टाइम पर रात को सोना है, अपना सारे मील्स आपको लेने हैं, कोई भी मील आपको अवॉइड या स्किप नहीं करना है, आपको अपने सारे मील खाने हैं, और टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। अगर सुबह 8 बजे आपने मॉर्निंग ड्रिंक ली है तो आपको डेली सुबह 8 बजे ही लेनी है, आपको टाइम जो है इधर उधर नहीं करना है, उससे पूरा का पूरा जो डाइट प्लान है वो गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको गुड रिजल्ट्स चाहिए, अगर आपको 100% रिजल्ट्स चाहिए तो आप ऐसे अगर डाइट प्लान फॉलो करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, और बहुत थोड़े ही टाइम में आपकी जो भी मेडिसिंस हैं और जो डाइट प्लान है वो अपना रिजल्ट दिखाने लगेंगी, और आप अपने PCOS को रिवर्स कर सकते हो। जो PCOS है ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये सिर्फ कंट्रोल में होता है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप मेरा डाइट प्लान प्लस अगर मेडिसिंस फॉलो करेंगे तो आप इस बीमारी को रिवर्स भी कर सकते हैं। आगे जाकर इस डिज़ीज़ की वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, वो मैं सब डिटेल में डिस्कस करूँगी जब मैं PCOD की वीडियो बनाऊँगी। अभी मैं सिर्फ डाइट प्लान के ऊपर फोकस कर रही हूँ। तो डाइट शुरू करने से पहले मेक श्योर टाइम मैनेजमेंट इज़ मैंडेटरी, टाइम मैनेजमेंट आपको ज़रूर ध्यान देना है उस चीज़ पर। सेकेंड थिंग, आपको अपने सारे मील्स खाने हैं। थर्ड थिंग, आपको पानी सिप करके पीना है, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी इंटेक नहीं करना है। अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे तो वो रिटेन हो जाएगा बॉडी में, वाटर रिटेंशन हो जाएगी और आपका वेट गेन होगा ही होगा उससे। तो आपको हमेशा आराम से धीरे धीरे सिप सिप करके ही पानी पीना है, और इसके अलावा आपको स्मॉल स्मॉल बाइट्स लेनी है, आराम से आधा घंटा लगाओ अपना खाना खाने में, च्यू करके धीरे धीरे बेबी स्पून से अपना खाना खाना है। ठीक है, ये कुछ मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। स्लीप आपको प्रॉपर लेनी है, स्ट्रेस लेवल अपना बहुत कम रखना है। स्ट्रेस लेवल के लिए आप अनुलोम विलोम करो, आप डीप ब्रीदिंग करो, आप कोई भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करो, लेकिन आपको स्ट्रेस कम लेना है। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी मेडिसिन को खाने का, कोई भी डाइट प्लान फॉलो करने का, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा और वो सारा इम्बैलेंस जो है फिर से आपका बॉडी जो है आउट ऑफ ट्रैक आ जाएगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग ड्रिंक। आप जैसे ही सुबह उठेंगे आपको फ्रेश होना है और अपना वेट चेक करना है, और उसके बाद आपको किचन में जाकर अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं आपको दालचीनी का पानी दे रही हूँ। दालचीनी आपको रात को उसको भिगोकर आप उसको एक ग्लास पानी में 2 दालचीनी की स्टिक्स भिगो के रख दीजिए, और सुबह उस पानी को आपको गर्म करके सिप सिप करके उसको पीना है एज अ टी। दिस इज़ माई मॉर्निंग ड्रिंक। उसके बाद आपको अपना फ्रेश हो गए, नहा लिए, पूजा वूजा सब कर ली, उसके बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है। जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस में पेशेंट्स होते हैं उनको मैं ज़रूर बोलती हूँ कि आपको अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है, ब्रेकफास्ट आप स्किप मत करिएगा। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रही हूँ, जैसे कि आपको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का आपको ब्रेकफास्ट करना है। इसमें आप अच्छे से
प्रॉपर फुल हो जाइए सुबह ही, आप हैवी ब्रेकफास्ट करें। अगर आपको सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करने की हैबिट नहीं है तो आप लंच हैवी करें, ब्रेकफास्ट को लंच से स्वैप कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से मिक्स एंड मैच कर सकते हो। ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस में मैं आपको जो पहला ऑप्शन दे रही हूँ वो दे रही हूँ ओट्स का पराठा। आप ओट्स जो नॉर्मल जो ओट्स आते हैं उनको थोड़ा सा रोस्ट करो, उनको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे उनका आटा बन जाएगा। उसी आटे में आपको आलू मैश करके डाल सकते हो, या उसी आटे में आप पनीर मैश करके डाल सकते हो, या मिक्स वेजीज, एनी वेजी ऑफ योर चॉइस जो मैंने अभी आपको बताई है उसमें से आप कोई भी वेजी डाल सकते हो, ग्रेटेड गोभी डाल सकते हो, ये शिमला मिर्च डाल सकते हो, कैरेट डाल सकते हो, गर्मी है तो ऑरेंज वाली जो कैरेट है दैट दे आर वेरी वेरी गुड फॉर वेट लॉस, तो आप वो भी डाल सकते हो ग्रेट करके। तो आपको उस आटे में, उस डो में ही जो स्टफिंग है उसको आपको डो करना है, आटे में ही उस स्टफिंग को गूंधना है, और आप एक या दो ओट्स का जो पराठा है वो ले सकते हो। उसी आटे में आपको हल्का सा सॉल्ट, अजवाइन, जीरा, हल्दी, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी ग्रीन चिली, ये सब डालकर आप एक अच्छा सा इसका पराठा बनाकर वो आप ले सकते हैं। हरी चटनी के साथ आप खा सकते हैं, होममेड हरी चटनी के साथ खा सकते हो, या फिर अगर आपको चाय पीने की हैबिट है आप चाय भी ले सकते हैं। दूध वाली चाय मैं अवॉइड करती हूँ बिकॉज मैं मिल्क ही अवॉइड करती हूँ पीसीओडी में, बट अगर आपको हैबिट है तो आप थोड़ा सा लाइक टी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको देसी खांड डालना है, या शक्कर डालना है, या जैगरी डालना है, रिफाइंड मैदा ये अपने डाइट से बिल्कुल आपको हटाना है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है सैंडविचेस ले सकते हैं, मल्टीग्रेन सैंडविच आपको लेने हैं वो वाले आप सैंडविच ले सकते हैं। जो मैंने स्टफिंग आपको बताई है उनमें से कोई भी स्टफिंग आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप रागी की रोटी ले सकते हैं, आप बेसन का चीला ले सकते हैं, आप कुट्टू के आटे का चीला, सिंघाड़े के आटे का चीला ले सकते हैं, आप चीला बना सकते हो, या आप इनका आटा गूंथ के इनकी रोटी भी बना सकते हो, वट एवर यू लाइक। तो आप उस तरीके से अगर रोटी है तो एक से दो रोटी आप खा सकते हो विद सब्जी, और अगर चीला बना रहे हो तो भी एक से दो चीला आप खा सकते हो विद होममेड चटनी। आपको दूध जो है इसमें आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद आप काला चना चाट भी ले सकते हो इसमें, अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट में ज़्यादा भूख नहीं लगी है तो आप काला चना चाट भी ले सकते हो इसमें। अच्छा उसके बाद अगर मैं मिड मॉर्निंग की बात करूँ, ब्रेकफास्ट जो है आपका मैक्स टू मैक्स 10:30 तक हो जाना चाहिए, दिस इज़ मैक्स, 10:30 तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। अगर मैं मिड मॉर्निंग की बात करूँ तो 11:30, 12:30 मैक्स टू मैक्स आपको कोई भी एक सीजनल फ्रूट खाना है, कोई भी जो भी मार्केट में, अभी गर्मी है तो जो भी मार्केट में सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं उसमें से आप कोई भी खा सकते हो। फ्रूट खाने का मन नहीं है कोई बात नहीं, आप एक खीरा कट करो, उस पर काला नमक लगाओ, थोड़ा सा काली मिर्च लगाओ, आप वो खीरा खा सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर अब मैं लंच की बात करूँ तो लंच में अगेन कोई फर्मेंटेड फूड आपको लेना है, तो फर्मेंटेड फूड में अगर आपने ब्रेकफास्ट हैवी किया है तो डेफिनेटली आपको लंच में ज़्यादा भूख नहीं लगी होगी, 2 बजे तक आपको अपना लंच कर लेना है, मैक्स टू मैक्स 2 या 2:30 बजे तक आपको अपना जो लंच है वो कर लेना है, ठीक है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो लंच में अगर मैं बात करूँ, अगर आपने ब्रेकफास्ट हैवी किया है लंच आप थोड़ा सा लाइट ही करेंगे, आप सांभर की दाल जो है, सांभर लाइक हरहर की जो दाल है, आप उसको कुकर में बॉयल करिए हल्दी और पानी डालकर, उसमें आपको फिर तड़का लगाना है, आप उसमें कोकोनट ऑयल डालेंगे, हींग डालेंगे, थोड़ा सा राई, जीरा, धनिया, ये सब जो भी बेसिक से मसाले हैं ये सब आपको डालना है, करी पत्ता डालना है, उसके बाद आपको चॉप अनियंस डालने हैं, अच्छे से उनको सॉटे करना है, थोड़ा सा आप सांभर मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सारी जो वेजीज हैं वो डालनी है, जैसे कि आपको चॉप्ड अनियन आपने डाली है, चॉप कैरेट आपको डालना है, फिर गोभी डालना है छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई, घिया डालना है, मटर डालना है, टमाटर डालना है, अगर सहजन की स्टिक्स आपको मिल जाती हैं, सहजन मोरिंगा स्टिक्स अगर आपको मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड, आप वो भी डाल सकते हैं। फिर आपको सॉल्ट डाल के थोड़ा सा सॉटे करना है इन सारी वेजिटेबल्स को, और लास्ट में आपको इमली का जो पानी है वो डालना है, उसके बाद आपको दाल डालनी है, थोड़ी देर उसको कुक करना है, एंड योर सांभर इज़ रेडी टू गो। आपको एक बॉल सांभर खाना है, वो मिक्स वेज का जो सांभर है, इट्स वेरी यम्मी, वेरी टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, आप एक बॉल अच्छे से खा सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें एक चम्मच देसी घी भी मिला सकते हैं, या एक चम्मच कोकोनट ऑयल भी मिलाकर खा सकते हैं। इसके साथ मैं रोटी अवॉइड करती हूँ, आपको रोटी नहीं खानी है अगर आपको इंस्टेंट अच्छा वेट लॉस करना है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आपको एक रोटी की भूख है तो आप इसके साथ एक रोटी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है। उसके अलावा आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, जैसे मूंग की दाल को, मूंग की जो दाल होती है उसके जो स्प्राउट्स, हम उसको रात भर भिगो के रखेंगे तो उसके स्प्राउट्स निकल जाते हैं, अंकुरित मूंग की दाल, उसके स्प्राउट्स की आप चाट बनाकर वो भी खा सकते हैं।
उसके लिए भी आपको वही करना है, चॉप करके अनियन टमाटो ये सब डालना है, थोड़ा सा आप खीरा डाल सकते हो, थोड़ा सा आप गाजर डाल सकते हो, एनी वेजी ऑफ योर चॉइस। अच्छे से उसमें आपको थोड़ा नींबू निचोड़ना है, काली मिर्च हरी मिर्च डाल के, एनी स्टफिंग ऑफ योर चॉइस आप उस तरीके से आप चाट मसाला डालकर वो भी खा सकते हैं, उसकी चाट बनाकर, या फिर आप काले चने की चाट बनाकर भी खा सकते हैं, या फिर आप पैन फ्राइड पनीर भी ले सकते हैं, पनीर यानी कि टोफू आपको लेना है, या फिर लो फैट पनीर जो मार्केट में अवेलेबल है वो आप ले सकते हो, हफ्ते में 2 बारी, उससे ज़्यादा नहीं खाना है आपको। टोफू जो है वो भी आप हफ्ते में 1 से 2 बारी ले सकते हो, 100 ग्राम, ठीक है। तो आपको वो उसके पीसेस को कट करके उसको हल्का सा पैन फ्राई शैलो फ्राई करके आप वो भी खा सकते हैं लंच में, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी है तो। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगर आपको नॉर्मल लाइक अगर आप इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते हो और आपको नॉर्मल लंच चाहिए तो आप नॉर्मल कढ़ी चावल खा सकते हो, राजमा चावल खा सकते हो, आप दाल चावल खा सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप अगर थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं तो आप कुनुआ की खिचड़ी आती है, कुनुआ इट्स अ वेरी गुड ग्रेन, रिच इन प्रोटीन, रिच इन फाइबर एंड वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स इन पीसीओडी, तो आप कुनुआ की खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हो, कुनुआ वेजिटेबल पुलाव बनाकर भी खा सकते हो, या फिर आप जौ का दलिया भी खा सकते हैं लंच में, आपको जौ इजीली मिल जाएंगे, जौ आपको एज अ दलिया उसको आपको बनाना है और उसी में आपको मिक्स वेजीज सारी डाल देनी है ऑफ योर चॉइस, तो आप वो वाला जो जौ का दलिया है वो भी आप खा सकते हो, किसी भी होममेड हरी चटनी के साथ, धनिया पुदीना की जो चटनी है उससे आप खा सकते हो। अच्छा, उसके बाद आप और क्या ले सकते हो, आप अगर कुछ भी नहीं, आप वर्किंग हो, आपके पास इतना ज़्यादा कुछ काम टाइम नहीं है इतना सब कुछ एफर्ट करने का, तो आप नॉर्मल अपना दाल रोटी सब्जी सेमी ब्राउन राइस वो सब चीज़ें आप ले सकते हो। अभी समर्स हैं तो मैं छाछ आपको बोल रही हूँ, क्योंकि छाछ में जो है वो भी फर्मेंटेड करके ही बनती है जो दही होती है, तो आप दही मत खाइए बट आप छाछ ले सकते हैं। छाछ बनाने का जो मेथड है बहुत इजी है, आपको 2 चम्मच दही लेना है, उसमें 1 गिलास पानी डालना है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दो, थोड़ा सा उसमें धनिया डाल दो, थोड़ा सा उसमें काली मिर्च डाल दो, पुदीना डाल दो और उसको अच्छे से आपने ब्लेंड किया और आपकी छाछ तैयार है, तो आप वो छाछ लंच में ले सकते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, उसके बाद अगर मैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स की बात करूँ जो कि आपको शाम को 4 से 6 बजे के बीच में ले लेना है, तो आप नॉर्मल तुलसी वाली ग्रीन टी ले सकते हैं, या अगर आपको ग्रीन टी नहीं लेनी आप दूध वाली चाय भी ले सकते हैं, वैसे मैं बोलूँगी कि मत ही लीजिए, बट अगर आप नहीं रह सकते हो, यू आर एडिक्टेड टू टी तो आप चाय ले सकते हैं, तो आपको नॉर्मल जो दूध वाली चाय है विदाउट मीठा वो आपको लेनी है, उसके साथ आप रोस्टेड मखाना रोस्टेड पीनट्स ये खा सकते हो, या 1 से 2 मारी वाले जो बिस्किट्स आते हैं वो आप खा सकते हो, ओट्स वाले जो बिस्किट्स आते हैं वो भी आप खा सकते हैं, ठीक है। ये मेरा इवनिंग स्नैक का हो गया। उसके बाद अगर मैं डिनर की बात करूँ तो डिनर आपको मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक कर लेना है, या फिर मतलब बहुत ही अगर एक्सट्रीम है तो 9 बजे तक आपको कर लेना है। आप जितना लेट अपनी डाइट को लेकर जाएंगे उतना ही लेट आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए। तो डिनर आपको जो है वो बहुत लाइट ही डिनर करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रेकफास्ट में और लंच में आपने हेल्दी मील्स और हैवी मील्स खा ली हैं, तो जो डिनर है उसमें मैं आपको बोलूँगी या तो आप पैन फ्राइड पनीर ले सकते हैं, पैन फ्राइड आप टोफू ले सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, सारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं मिक्स वेजिटेबल्स सब्जी उनको हल्का सा सोटे करके स्टीम करके हल्का सा सोटे करके आप वो भी ले सकते हैं। सोटे करने के लिए आपको क्या करना है, पैन में 1 चम्मच ऑयल लेंगे, उसमें थोड़ा जीरा डालेंगे, तेजपत्ता डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और उसमें अदरक डालना है, धनिया डालना है, हल्दी डालना है, ये जितने भी बेसिक से मसाले ये सब डाल के आपको पहले इनको सोटे करना है, उसके बाद आप इसमें डालेंगे अनियन कैरेट बीन्स गोभी कैप्सिकम और मटर हो गया टमाटर हो गया, ये सब अच्छे से डाल के इनको सॉटे करना है, थोड़ा सॉल्ट स्प्रिंकल करना है इनके ऊपर, और फिर आपको लास्ट में टोफू डाल के, टोफू भी आप लास्ट में डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अगर आपको टोफू नहीं डालना है तो आप ऐसे भी इनको खा सकते हैं। थोड़ी देर इनको कुक करेंगे, कवर करके रखेंगे 5-10 मिनट के लिए और आपकी जो मिक्स वेजिटेबल है वो बिल्कुल रेडी है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं। डिनर जो है उसमें आपको सॉल्ट नहीं खाना है, या फिर अगर आप बिल्कुल फीका खाना उबला हुआ खाना नहीं खा सकते तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको सॉल्ट डालना है। मेक श्योर कि आप डिनर में जितना कम नमक खाएंगे उतना ही सुबह आपका जो ब्लोटिंग है जो वाटर रिटेंशन है वो कम होगा और उतनी ही जल्दी आपका वेट जो है वो गिरेगा। इसके अलावा आप डिनर में अगर आपको कुछ भी मन नहीं है डिनर में खाने का तो आप नॉर्मल सा ड्राई फ्रूट वाला मिल्क ले सकते हो। अब मिल्क जो है आपको यहाँ पर कोकोनट मिल्क लेना है या सोया मिल्क लेना है,
या आमंड मिल्क लेना है आपको, जो नॉर्मल वाला मिल्क है वो नहीं लेना है, ठीक है। आप ठंडाई बना के ले सकते हो, गर्मी है वैसे भी, तो जो कोकोनट मिल्क है इट्स वेरी इजी, आपको कच्चा नारियल की गरी लेनी है और उसको आपको मिक्सी में छोटे छोटे पीसेज में उसको कट करके मिक्सी में पानी डालकर, एक ग्लास पानी डालकर उसको अच्छे से ब्लेंड करिए और उसको फिर आप छान लीजिए, तो वो जो वाइट वाइट सा जो लिक्विड जो आएगा वो दैट इज़ कोकोनट मिल्क, ठीक है। तो आप ऐसे कोकोनट मिल्क बनाकर उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऑफ योर चॉइस वो सब डालकर आप वो ले सकते हो नाइट में, अगर आपको ज़्यादा खाने का मन नहीं है, और या फिर आप आमंड मिल्क भी ले सकते हैं। आमंड मिल्क भी वही है, 10 से 15 आपको बादाम भिगोने हैं 1-2 घंटा पहले, और उसको भी दोबारा से उनका छिलका उतार कर उनको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करना है 1 गिलास पानी डालकर, और वो जो वाइट लिक्विड निकलेगा वो आमंड मिल्क है। तो ये बहुत ईजी है ये दूध बनाने, तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हो। अगर आपका ये भी खाने का मन नहीं है, आप एक बॉल ऑफ पपाया या एक बॉल ऑफ पाइनएप्पल वो भी ले सकते हो। अगर आपको वो भी खाने का मन है तो आप डिटॉक्स सैलेड बनाकर ले सकते हो, हल्का सा सैलेड अपने एनी सैलेड ऑफ योर चॉइस, वही जो आपका खीरा हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, इन सबको आपको हल्का सा स्टीम करना है और इस ये आप जो है ये वाला जो सैलेड है ये भी आप खा सकते हैं। अगर ये भी खाने का मन नहीं है तो आप सूप ले सकते हैं, पम्पकिन सूप ले सकते हैं, टमाटो सूप ले सकते हैं, आप इसमें से कोई भी सूप ले सकते हैं, या हॉट एंड सॉर सूप ले सकते हैं। ये सारे जितने भी मैं सूप्स बता रही हूँ ये सब होममेड सूप हैं, आपको मार्केट का पैकेट वाला जो फूड है वो कुछ भी नहीं खाना है, नॉट एट ऑल। मार्केट का जो पैकेज फूड है वो मैं इसमें बिल्कुल आपको मना करती हूँ। तो बेसिकली जो डिनर आपका है वो बहुत लाइट सा आपको डिनर जो है वो करना है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें खाने का भी मन है तो आप एग्स भी ले सकते हैं, आप एग्स अपने डिनर में इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि आपको एग वाइट लेना है उसमें आपको येलो पार्ट नहीं लेना है, आप 3 उबले हुए अंडे उसकी चाट बनाकर वो भी आप ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, आप चिकन टिक्का ले सकते हो। चिकन ब्रेस्ट का ज़्यादा यूज़ करना है आपको, रोस्टेड चिकन आप ले सकते हो, ग्रिल्ड चिकन आप ले सकते हो, पंजाबी ग्रेवी वाली जो सब्जियां हैं या जो नॉन वेजिटेरियन जो आइटम्स हैं वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो दिस इज़ माई डिनर ऑप्शंस फॉर यू। और उसके बाद आपको नाइट ड्रिंक में मैं दे रही हूँ जीरा टी, आपको जीरा वाली टी जो है वो पीनी है। इसमें आपको जीरा को पानी में बॉयल करना है, थोड़ा सा उसमें आप अश्वगंधा का पाउडर वो भी मिलाइए, वो भी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर जीरा टी पीने का आपका मन नहीं है तो आप कैमोमाइल टी भी ले सकते हैं, इट विल ऑल्सो रिड्यूस योर स्ट्रेस। कैमोमाइल टी में आप एक अश्वगंधा का छोटा सा कैप्सूल तोड़ के वो भी डाल सकते हो, तो इससे आपको स्लीप भी बहुत अच्छी आएगी, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो ये मेरा नाइट ड्रिंक हो गया, और जो नाइट ड्रिंक है वो आपको सोने से पहले लेना है, मैक्स टू मैक्स आपको 10:30 या 11 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, 11 बजे तक आपको सो जाना है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा PCOD का डाइट प्लान हो गया, इट इज़ अ जनरल डाइट प्लान, ये हर फीमेल के ऊपर जाएगा, चाहे वो थिन लीन PCOS है या वो ओबीज PCOS है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए, या आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल मुझे लाइक नर्सरी के बच्चे को जैसे A to Z एक एक चीज़ की, नहीं मैम आप मुझे पूरा पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट बनाकर दीजिए अलोंग विद मेडिसिंस, तो उसके लिए यू कैन कंसल्ट मी ऑनलाइन, या फिर आप मेरे क्लिनिक आकर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ माय PCOD डाइट प्लान, अगर आप इसे फॉलो करेंगे यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।